नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले आप सभी का अपने चैनल के एक और वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि आप शीर्षक में थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है मेनोपॉज। तो आइए अपन आज इसी बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे और हम मेनोपॉज से संबंधित ए से लेकर जेड तक सारी जानकारियों को एकत्रित करके समझने की और इंटरप्रिटेट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मेनोपॉज क्या है? सबसे पहली चीज कि मेनोपॉज क्या है। मेनो एंड पॉज ये दो शब्दों से मिलके बना है। मेनो मतलब मेंस्ट्रुएशन एंड पॉज मतलब हम लोग म्यूजिक प्ले करते हैं तो प्ले एंड पॉज का बटन होता है। पॉज मतलब रुक जाना, गाने को हम बीच में रोक देते हैं तो पॉज कर देते हैं। तो उसी तरह से मेनो पॉज मतलब मेंस्ट्रुएशन का रुक जाना। क्या ये कोई बीमारी है? जी नहीं, ये कोई भी बीमारी नहीं है, एक नॉर्मल प्रक्रिया है। इट इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर इवोल्यूशन। ये हमारे मतलब क्रम विकास के साथ होने वाली एक नॉर्मल प्रक्रिया है, ये कोई बीमारी नहीं है। पर जिस तरह का मैनिफेस्टेशन हम आज के दिन में देख रहे हैं इस बीमारी का, तो ये इस मतलब मेनोपॉज का, सॉरी बीमारी नहीं, मेनोपॉज का जिस तरह का हम इसका मैनिफेस्टेशन देख रहे हैं इन दिनों, तो ये बीमारी से कम भी नहीं है। मेनोपॉज मतलब मेंसेस का बंद हो जाना, मतलब जब भी एक महिला अपनी प्रोडक्टिविटी खो देती है, रिप्रोडक्टिविटी मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम के यूज को खो चुकी होती है, तो वो मेनोपॉज के टाइम में आ जाती है। मेनोपॉज का जो पीरियड होता है वो क्लिमेक्टेरिक पीरियड के रूप में भी बोला जाता है। उसका जो एक सिनोनेमिक पर्यायवाची है, दैट इज क्लिमेक्टेरिक पीरियड। क्लिमेक्टेरिक पीरियड मतलब द एरा इन विच द menstrual system इज शटिंग डाउन इन अ वूमेन इज नोन एज द क्लिमेक्टेरिक पीरियड। अब जो क्लिमेक्टेरिक पीरियड होता है या जो मेनोपॉजल पीरियड होता है, वो जो होता है ऑन रिकॉर्ड 7 साल से लंबा भी हो सकता है। कहने का मतलब कि जिस पॉइंट पे ये ब्लीडिंग होना बंद हुआ, एक महिला ने जिस पॉइंट पे मेंसेस आना उसको बंद हुआ, वो उस दिन के 2-3 साल पहले स्टार्ट होता है और उस दिन के आने के बाद, मेंसेस बंद हो जाने के बाद उसका जो आफ्टर इफेक्ट रहता है वो कई सालों तक रह सकता है, मे बी 2.5-3 सालों तक। तो जो ऑन रिकॉर्ड मेडिकली सबसे लंबा क्लिमेक्टेरिक पीरियड हुआ था वो था 7 साल का लगभग। अब दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लेडी हु इज मेंस्ट्रुएटिंग एंड अ लेडी हु इज नॉट मेंस्ट्रुएटिंग। तो इसको हम अगर समझ लेंगे तो हम बहुत अच्छे से मेनोपॉज और मेनोपॉज से होने वाली समस्याओं को समझ सकते हैं। तो एक महिला को महिला इसलिए कहा जाता है कि महिला प्रजनन करने की शक्ति रखती है, और वो एक मेंस्ट्रुएटिंग लेडी के अंदर जो प्रजनन करने की जो कैपेबिलिटी है वो होती है इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन विच इज नोन एज द ईस्ट्रोजिन हार्मोन। मतलब एक नॉर्मल मेंस्ट्रुएटिंग वूमेन के अंदर ईस्ट्रोजिन और प्रोजेस्ट्रॉन का एक साइकिल चलता है बॉडी के अंदर, और वो साइकिल ही निर्धारित करता है कि यह महिला लगभग 28 से 30 दिन में इसको ब्लीडिंग होगी। ब्लीडिंग होने के बाद इसका पूरा यूटेरस एक और ओवरी से निकलने वाले एक अंडे को मतलब बनाएगा। उसके बाद 14वें दिन पॉसिबिलिटी रहेगी कि अगर ये इंटरकोर्स करती हैं तो इनका वो अंडा निषेचित होके ये बच्चे को जन्म दे सकती हैं, और ये साइकिल हर महीने आता है, ठीक है ना। तो एक नॉर्मल मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन के अंदर ईस्ट्रोजिन हार्मोन जो मेन हार्मोन होता है और प्रोजेस्ट्रॉन सेकेंडरी हार्मोन होता है, जिनके साइकिल के कारण ये बच्चा को पैदा करने की शक्ति की वजह से इसकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटीज कायम रहती हैं। पर एक लेडी जो जिसका मेनोपॉज हो चुका है, उसके अंदर ना ईस्ट्रोजिन और प्रोजेस्ट्रॉन, उसके अंदर हार्मोन्स के लेवल खत्म होने लगते हैं दोस्तों, वो हार्मोन्स के लेवल बिल्कुल खत्म हो चुके होते हैं। तो जो अगर सीरम इन्वेस्टिगेशन करेंगे एक लेडी का एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन के लिए, तो हम ये पाएंगे कि एक महिला जिसका पीरियड बंद हो चुका है उसके अंदर कोई भी फीमेल हार्मोन नहीं बचा है। वहीं वो लेडी जो अभी कम उम्र है और वो मेंस्ट्रुएट कर रही है, उसके अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन उसके साथ साथ FSH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जमाने भर के हार्मोन्स का साइकिल के वजह से ये जो है इसका प्रॉपरली मासिक धर्म आता है और ये जो है प्रजनन करने की शक्ति अपने अंदर रखती है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द नॉन मेंस्ट्रुएटिंग एंड मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन।
अब आप लोग कहेंगे कि यार ये तो नॉर्मल है, ये तो प्रकृति के अंदर नॉर्मल होता है कि जब बुढ़े हो जाते हैं, महिलाएं जब बुजुर्ग हो जाती है तो उनका मासिक धर्म चला जाता है और उनकी रिप्रोडक्शन की भी कैपेसिटी चला जाती है, तो ये बीमारी कैसे हुई। दिक्कत वहां पे आती है कि जैसे ही वो रिप्रोडक्टिव से नॉन रिप्रोडक्टिव की तरफ जो आती है, मतलब वो जैसे ही मेंसेस चल रहा है और धीरे धीरे करके बंद होके वो मेनोपॉज की तरफ आती है, तो ये जो डिक्लाइनिंग लेवल ऑफ हार्मोन है, समझ रहे हैं आप कि पहले हार्मोन इतने थे एक मेंस्ट्रुएटिंग लेडी में, अब नॉन मेंस्ट्रुएटिंग लेडी में हार्मोन्स बिल्कुल नहीं है। तो ये जो डिक्लाइनिंग लेवल ऑफ हार्मोन्स हो रहा है, इस्ट्रोजिन, प्रोजेस्टेरॉन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और जमाने भर के हार्मोन्स का, तो ये जो लेडी है जो मेनोपॉज के दौरान में एक बीमार व्यक्ति की तरह मतलब बिहेव करती है, उसके अंदर बॉडी में क्या दिक्कत आती है मित्रों, कि इनकी बॉडी इनके शरीर के अंदर घटते हुए हार्मोनल लेवल से एडजस्ट नहीं कर पाती। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि मेनोपॉज या क्लिमेक्टरिक पीरियड किस तरह से एक डिजीज के रूप में सामने आ सकता है। मतलब ऐसी 10 में से सिर्फ मैं समझता हूँ 2 महिलाएं होती हैं जो कि बहुत स्वस्थ होती हैं, मोस्ट प्रोबेबली वो गांव से बिलोंग करती हैं, उनका शरीर बहुत मेहनत करने का आदी रहता है। उन महिलाओं के अंदर क्या होता है कि जो मेंसेस बंद होते हैं ना, वो इतने प्रेम से बंद होते हैं कि उनको they didn't even realize it, उनको रियलाइज तक नहीं होता कि उनका मेंसेस बंद हो चुका है। पर उन 10 में से 8 महिलाओं को बहुत सारी समस्याएं पेश आती हैं ड्यूरिंग दिस मेनोपॉज, और उसमें से जो सबसे बड़ी और सबसे विराट समस्या है जो इनको आती है इस दौरान में, वो ये है कि इनको इतना एक्सेस मेंसेस होता है कि हो सकता है इनका पीरियड कई महीने नहीं आया, फिर आया तो एक महीने तक बंद नहीं हुआ, या फिर एक महीने में 2-2 बार पीरियड आ रहा है। कहने का मतलब एक महीने मतलब 30 दिन में से 20 दिन ये ब्लीड आउट करती रहती है, उस वजह से इनका हीमोग्लोबिन के ऊपर असर पड़ता है। अब ऑब्वियस है कि एडवांस एज की महिलाएं, ये सारी महिलाएं 40 से 50 के बीच की एज की होती हैं, तो उसके कारण और ज़्यादा इनको उससे तकलीफ होती है। और कई बार ये ब्लीडिंग का वाकया, ये जो मेनोपॉजल हेमरेज होता है, ये इतना सीवियर होता है कि इन महिलाओं को हिस्टरेक्टॉमी करानी पड़ देती है। और एक और आपको स्टेटिस्टिक्स बता दूं जो स्टडीज में सामने आया है कि अगर इस विश्व में, मतलब इस इंडिया के अंदर अगर 1000 हिस्टरेक्टॉमी हो रही हैं, तो उन 1000 हिस्टरेक्टॉमी के अंदर लगभग 600 से 700 महिलाएं वो होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा मेनोपॉजल हेमरेज हो रहा होता है, और उस वजह से उनकी बच्चेदानी निकालनी पड़ती है। आप समझ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम। तो दोस्तों आइए शॉर्ट में हम देखते हैं कि इनके इसके और क्या लक्षण होते हैं। मतलब ऐसा क्या होता है कि जब बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाती, तो मेनोपॉज के मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या है वो पहले मैं आपको बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम मेनोपॉजल लेडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, मतलब उसकी बॉडी उस हार्मोनल डिफिशियंसी को पचा नहीं पाती, उसके प्रति रिस्पॉन्स देती है। वो रिस्पॉन्स आता है इन द फॉर्म ऑफ अल्टर्ड मूड, मतलब उसके मूड में चेंजेस आएंगे, मूड स्विंग्स आएंगे, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन आएगा, ठीक है ना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, वो सो नहीं पाती, ठीक है ना। उसके साथ साथ एक और चीज होती है कि एक मेनोपॉजल बॉडी इररेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड की शिकार होती है। आप समझिए, क्यों जो हार्मोन घट रहे हैं ना, उसका प्रभाव बॉडी जब उसको रिस्पॉन्ड करती है तो उसमें इररेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड होता है। इसका मतलब कि बॉडी के किसी पार्ट में ब्लड हो जाता है बिल्कुल कम, तो वो पार्ट हो जाएगा ठंडा, और वही ब्लड दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी के अंदर चला जाएगा जो कि जनरली चेस्ट होता है और हेड होता है, तो वहां पे उसको हॉट फ्लशेस आते हैं। हॉट फ्लशेस आपने सुने होंगे, मेनोपॉजल हॉट फ्लशेस, मतलब उसमें क्या होगा, जैसे महिला चुपचाप बैठी है, एकदम से उसको फीलिंग होगी कि यार कुछ मेरे को गरम गरम लग रहा है, उसके बाद कोई उसका स्पेसिफिक पार्ट में भी, गर्दन, हेड, नेक, कहीं पे भी उसको गर्मी लगने लगेगी, वो गर्मी बढ़ती जाएगी, और एट द सेम टाइम उसकी जो पेरिफेरीज होंगी, उसके हाथ और पैंट पैर होंगे, वो ठंडे हो जाएंगे। तो मेनोपॉज की लेडी के अंदर अपार्ट फ्रॉम ऑल द इमोशनल साइकोलॉजिकल जो चेंजेस, मूड स्विंग, इरिटेबिलिटी के साथ साथ होता है इररेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड, जिसकी वजह से वो क्या कंप्लेन करती है, वो चिल्स भी कंप्लेन करती है, उसको ठंड भी लगती है, उसको गर्मी भी लगती है। कई बार मैंने ऐसे केसेस हॉट फ्लशेस के देखे हैं कि वो बताती है, बोले सर देखो मेरा हाथ गर्म होने वाला है, और लिटरली उसके हाथ की नसों का वैसो डायलेशन हमको देखने में आता है, मैंने ये देखा है अपने आंखों से। तो ये जो कुछ है कॉमन सिम्टम है, अब मेनोपॉज की बात हो रही है तो मेंसेस में कोई सिम्टम ना हो ही नहीं सकता। देखिए जो शराफत वाला मेनोपॉज होता है वो अपने आप रुक जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती,
है ना, वो अपने आप रुक जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 6 महीने नहीं आया, फिर इसके बाद आया तो उसके बाद फिर 6 महीने नहीं आया, ऐसे करके वो बंद हो जाता है। पर इन महिलाओं के अंदर बेसिकली हमको मेनोपॉजल हेमरेज देखने में आता है, जिसको क्लिमेक्टरिक हेमरेज बोलते हैं। और ब्लीडिंग पर वजाइनम का अगर 100 केसेस पूरी दुनिया के अंदर हैं, तो आप लिख लीजिए कि 50 से ऊपर जो केसेस होते हैं जिसके अंदर पर वजाइनम अगर महिला को ब्लीडिंग हो रही है, तो 50% चांसेस है कि वो मेनोपॉजल हेमरेज होगा। तो इनको एक्सेस मेंसेस की प्रॉब्लम होती है, और उसका भी पैटर्न बड़ा अलग सा होता है। हो सकता है 2 महीने नहीं आए, तीसरे महीने आए तो महीने भर बंद ना हो, फिर 3 महीने के लिए गायब हो जाए, या फिर ऐसा हो कि बिल्कुल बंद होने का नाम नहीं ले, 30 दिन के अंदर लगभग 25-20 दिन इनको ब्लीडिंग होती है, ठीक है ना। और यही कारण है कि इनकी बच्चेदानी को हटा दिया जाता है। उसके साथ और भी कई प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों आज आइए हम दूसरी स्लाइड के ऊपर चलते हैं, और यहाँ पे हम देखने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज। एक मोटा एक अंदाजा हमको लग जाए कि मेनोपॉज इज द टाइम दैट मार्क्स द एंड ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। इट्स डायग्नोस्ड आफ्टर यू हैव गॉन 12 मंथ विदाउट द मेंस्ट्रुअल पीरियड। मतलब इस बात का सत्यापन तभी होगा। इस बात का सत्यापन कब होगा? इस बात का सत्यापन सिर्फ तभी होगा जब आपको 1 साल तक पीरियड नहीं आएगा, उसके बाद ही आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि आपको मेनोपॉज हो चुका है। और यहाँ पे मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि जिन महिलाओं को कम उम्र में, जैसे 35 के नीचे या 30 के नीचे, कई वो एक चीज होती है जिसको बोलते हैं अर्ली मेनोपॉज। साइंस को इसका कारण नहीं पता, पर अगर किसी भी महिला को, अगर वो रिप्रोडक्टिव एज में भी है, उसको 1 साल तक पीरियड नहीं आएगा, तो उसको ब्लाइंडली डायग्नोस कर दिया जाता है कि दैट लेडी इज द विक्टिम ऑफ अर्ली मेनोपॉज या प्री मेच्योर मेनोपॉज। ओके, ठीक है। तो मेनोपॉज कैन हैपन इन योर 40s और 50s, बट द एवरेज एज इज 51 इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, अब इसके हम कुछ सिम्टम्स देख लेते हैं। इररेगुलर पीरियड्स, मैं आपको बता चुका हूँ कि हर तरह की इररेगुलरिटी देखने को आती है। वजाइनल ड्राइनेस, हॉट फ्लशेस, मैंने ये भी बताया, चिल मैंने ये भी बताया, नाइट स्वेट, स्लीप प्रॉब्लम, मूड चेंजेस, वेट गेन एंड स्लो मेटाबॉलिज्म, थिन एंड ड्राई हेयर एंड लॉस ऑफ ब्रेस्ट फुलनेस। तो दीज आर द सम सिम्टम्स ऑफ द मेनोपॉज, जो कि मैं आपको उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। अब दोस्तों अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट के अंदर। अब जैसा कि आपको मैंने बताया कि मेनोपॉज होने का कारण क्या है, कारण है कि जो घटते हार्मोनल लेवल से बॉडी एडजस्ट नहीं हो पा रही है, तो वो इस तरह के रिस्पॉन्सेज देती है। तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो एलोपैथी में मात्र एक ट्रीटमेंट है, दैट इज HRT, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। मतलब वो ईस्ट्रोजिन और प्रोजेस्ट्रॉन के सिंथेटिक डेरिवेटिव, सिंथेटिक हार्मोन्स इन महिलाओं को देते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन एंड सिचुएशन, ठीक है ना। तो ये HRT, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, इज द ओनली ट्रीटमेंट, सो कॉल्ड ट्रीटमेंट, बट इट इज नॉट ट्रीटमेंट। आप सब जानते हो वो ट्रीटमेंट नहीं है, पर एलोपैथी के हिसाब से इकलौता ट्रीटमेंट है। अब दोस्तों आते हैं होम्योपैथी में, बिना किसी बकवास के और देरी के, जो 3 मेडिसिन आपको इसके अंदर देनी पड़ेंगी, है ना। देखो, 2 पहली वाली तो देनी है, एंड द 3rd one इज ऑप्शनल। उसकी कंडीशन बता देता हूँ, अगर वो कंडीशन हो रही है तो देने का, नहीं तो नहीं देने का। कि अगर मान लो नॉर्मल सा मेनोपॉज है, हल्की फुल्की ब्लीडिंग के वाक्य हो रहे हैं, मतलब थोड़ा बहुत हेमरेज हो रहा है, बाकी सारी चीजें हॉट फ्लश है, टीम टाम ताम जाम सब कुछ है, तो द 2 most important medicine, इसमें से पहली कई लोगों को तो पता होगी, लाखों लोगों को पता होगी, और दूसरी बहुत कम को पता होगी, ये बात का चैलेंज। पहली जो मेडिसिन है, दैट इज लैकेसिस। लैकेसिस देना है हमको 200 potency में, 4-4 गोली दिन भर में 3 बार। ये तो सब जानते हैं, फर्स्ट ईयर का लौंडा भी जानता है कि लैकेसिस की दवा है। दूसरी मेडिसिन कोई नहीं जानता, बहुत कम लोग जानते हैं। द सेकेंड मेडिसिन इज ग्रेफाइटिस, ग्रेफाइटिस इन द 30 potency। वाई ग्रेफाइटिस? अरे भाई, ग्रेफाइटिस के डायरेक्ट पिक्चर में लिखा है कि जो वैल्यू पल्सेटिला रखती है एक छोटी लड़की के लिए जिसका मेंसेस स्टार्ट हो रहा है, समझो ना, कि द वैल्यू विच हैज पल्सेटिला फॉर अ गर्ल हु इज जस्ट स्टार्टिंग मेंस्टुरेटिंग, द सेम वैल्यू एग्जिबिट्स ग्रेफाइटिस फॉर अ लेडी हु इज प्रोसीडिंग टूवर्ड्स मेनोपॉज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि जो वैल्यू पल्सेटिला की है एक उस लड़की के लिए जिसका मेंसेस जस्ट स्टार्ट हो रहा है, सेम वैल्यू ग्रेफाइटिस की है उस लेडी के लिए जिसका मेंसेस बंद होने वाला है। तो दैट इज वाई ये 2 common medicine है, ग्रेफाइटिस एंड पल्सेटिला।
नहीं सॉरी ग्रेफाइटिस एंड लेकेसिस। तो फर्स्ट मेडिसिन थी लेकेसिस 200 पोटेंसी चार चार गोली तीन बार, सेकंड मेडिसिन थी ग्रेफाइटिस 30 पोटेंसी चार चार गोली तीन बार। और दोस्तों तीसरी मेडिसिन भयंकर इंपॉर्टेंट है और ऑप्शनल भी। ऑप्शनल किस केसेस में, कि अगर एक्सेसिव हेमरेज हो रहा है उस केस के अंदर, अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है विद इन नॉर्मल लिमिट हेमरेज वेमरेज हो रहा है तो दो मेडिसिन पहले वाली संभाल लेंगे। पर अगर सिर्फ हेमरेज को आप एड्रेस करना चाहते हैं कि भाई वो हेमरेज रुक ही नहीं रहा उस औरत के अंदर, कई बार एलोपैथिक मेडिकेशन से भी नहीं रुक रहा, इन दैट केस द मेडिसिन इज सबाइना, सबाइना 200 4-4 पिल्स 3 टाइम्स अ डे। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो ऑन मेनोपॉज एंड क्लिमेक्टेरिक पीरियड, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होती है। नमस्कार।